अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कोर 3607 की ये वाली लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और तमाम जो चैप्टर्स थे उनको डिस्कस कर चुके होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियोस को देखने के बाद जब आप इन बुक्स को, इन टॉपिक्स को खुद से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इसको वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोर 3608 को स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन कराऊँ। आप लोगों ने बस थोड़ी सी फेवर ये करनी है कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने तमाम क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी व्यूज़ दिया करें। कोर 3607 की आउटलाइंस हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कर लिया हुआ था। अगर आपको पिछले किसी भी चैप्टर में कभी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अब हम लोग इस वीडियो से जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे और इस कोर्स को एंड अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चैप्टर नंबर 7 है फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। थेरेपी हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट को, क्योर या रेमेडी को। और फिजिकल थेरेपी नेम से शो हो रहा है कि हमारी बॉडी की जो फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं या फिजिकल चेंजेस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो भी हम रेमेडीज या ट्रीटमेंट्स करेंगे वो फिजिकल थेरेपीज होंगी। इसमें डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेस, मसाज और कुछ अदर ट्रीटमेंट्स। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी नेम से शो हो रहा है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ये ऐसी थेरेपी है जिसमें किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को उसके ऑक्यूपेशन के हवाले से ट्रीट किया जाएगा, उसको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऑक्यूपेशन करे और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाए। फिजियोथेरेपी की इजी से डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। फिजियोथेरेपी हेल्प टू रीस्टोर मूवमेंट एंड फंक्शन व्हेन समवन इज अफेक्टेड बाय इंजरी, इलनेस और डिसेबिलिटी। अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई फिजिकल इलनेस या कोई इंजरी हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी के प्रोसेस के जरिए से उसको उसकी बॉडी के पहले वाली हालत में लाया जाता है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के जरिए से, डिफरेंट क्योर के जरिए से। उस प्रोसेस को हम लोग फिजियोथेरेपी कहते हैं। इट कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस इन द फ्यूचर। और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ये हमारी बॉडी को इस तरह से ट्रेन कराते हैं, इस तरह से ट्रीटमेंट बॉडी का करते हैं ताकि फ्यूचर में भी उस इलनेस के कोई असरात ना हो और फ्यूचर में उस इंजरी का हमें कोई नुकसान ना हो। इट टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच दैट इन्वॉल्व द पेशेंट डायरेक्टली इन देयर ओन केयर। अब ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब एक कलेक्टिव अप्रोच है जिसमें बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं और पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी केयर खुद कर सके बाद में जाके। तो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे आस पास भी बहुत सारे पाए जाते हैं। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का चिल्ड्रन है उसके लिए बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट लाजमी हायर करने पड़ते हैं और वहाँ पे उनकी डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, उनके ट्रीटमेंट चलते हैं जिसकी वजह से उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जाता है और उसके बाद उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है ताकि वो जो उसकी डिसेबिलिटी है उसके ऑक्यूपेशन के अंदर, उसके प्रोफेशन में रुकावट ना बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट पीपल्स की हेल्प करते हैं अफेक्टेड बाय इंजरी, इलनेस और डिसेबिलिटी थ्रू मूवमेंट एंड एक्सरसाइजेस। वो पर्सन जिनमें कोई इंजरी, इलनेस या डिसेबिलिटी आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उनकी मूवमेंट्स, उनकी एक्सरसाइजेस कराते हैं उनकी बॉडी की, उनकी मेंटल थेरेपी करते हैं, उनको गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको अच्छी एडवाइसेस देंगे। उसके अलावा तमाम एजेस के पीपल के हेल्थ मेंटेन करने में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेन के मैनेजमेंट के लिए पेशेंट की हेल्प करता है, कोई मसाज वगैरह या पेन रिलीफ के ट्रीटमेंट्स या मेडिसिन देंगे। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है पेशेंट की उस डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ताकि फ्यूचर में इस डिजीज़ के उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आता है चैप्टर नंबर 7 से, वो फिजियोथेरेपिस्ट का था। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है जिसको हम लोग OTB कहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर दैट हेल्प पीपल ऑफ ऑल एजेस हु हैव फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक हेल्थ केयर की ब्रांच है जो तमाम एजेस के लोगों की हेल्प करता है और उनको उनकी फिजिकल, सेंसरी या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में उनकी हेल्प करता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स मतलब उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, सेंसरी प्रॉब्लम उसमें कोई सेंसरी डिसेबिलिटी हो, ये भी ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटी ही होगी जिसमें उसके सेंसेस काम नहीं करेंगे, और कॉग्निटिव जो उसकी मेंटल हेल्थ या उसके ब्रेन से रिलेटेड
जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। दे हेल्प देम रीगेन इंडिपेंडेंस इन ऑल एरियाज। जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन होंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी मदद करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को रीगेन करने के लिए। किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद फिजिकल जो पर्सन होंगे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको मोटिवेट करेंगे और उनको इंडिपेंडेंट द्वारा बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। दे हेल्प विद बैरियर्स दैट इफेक्ट पीपल्स इमोशनल सोशल एंड फिजिकल नीड्स। उसके अलावा फिजिकल जो पर्सन होते हैं फिजिकल डिसेबल्ड उनकी इमोशनल सोशल और उनकी फिजिकल जो है मोटिवेशन करेंगे और उनको इन तीनों चीज़ों में जिन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी हेल्प करेंगे। दे ट्रीट इंजर्ड इल आर डिसेबल्ड पेशेंट थ्रू थेरेपेटिक यूज ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज। उसके अलावा ये डिफरेंट थेरेपीज को यूज़ करते हुए वो थेरेपीज जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इजीली कर सकते हैं पर्सन को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी या अपनी इंजरी से फाइट कर सके। दे हेल्प द पेशेंट डिवेलप रिकवर एंड इम्प्रूव। ये पेशेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो डिवेलप करे रिकवर करे, जो भी उसकी इंजरी आई है उससे जल्द अज जल्द सेहतयाब हो और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए। दे हेल्प पेशेंट मेंटेन द स्किल्स नीडेड फॉर डेली लाइफ। उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्यूपेशन के हवाले से कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको स्किल्स सिखाते हैं, ऐसी स्किल्स जो उसकी डेली लाइफ में उसके लिए बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, बहुत यूजफुल स्किल्स होती हैं। दे हेल्प पेशेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग स्किल्स। ये उनको उनकी वर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करना सिखाते हैं ताकि वो अपने ऑक्यूपेशनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट हो सके। थर्ड मेन पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यूनिट 7 का वो है रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग। रिहैबिलिटेशन हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेट करने को, रिस्टोर करने को। अगर कोई डिसेबिलिटी किसी पर्सन में आ गई है तो उसको इस तरह से ट्रेन करना, ऐसे उसको सोर्सेज प्रोवाइड करना कि वो रिहैबिलिटेट कर जाए, अपनी जो डिसेबिलिटी है उसके इफेक्ट को कम करके नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो इंजीनियरिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रिहैबिलिटेट करने के लिए पर्सन्स को। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, इनको पढ़ते हैं। न्यू फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की नई नई फील्ड्स आ गई हैं, उन्होंने नई नई इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए हैं जो डिसेबल्ड पर्सन को रिहैबिलिटेट करने में, उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। कोई भी डिसेबिलिटी है उसके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन है, किसी की टांग नहीं है, तो उसके लिए ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं कि वो उसके पास आर्टिफिशियल लेग्स होंगी। अगर किसी को हेयरिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेयरिंग के डिवाइसेज हैं। अगर किसी को जो है नज़र नहीं आता तो उसके लिए मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं ऐसे ऐसे कि वो अपने स्पीकिंग के ज़रिए से ही मोबाइल यूज़ कर सकता है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो अब आ गई हैं मार्केट के अंदर, ये सब किस तरह से आई हैं, रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग की वजह से आई हैं और इन्होंने डिसेबल्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दी है। असिस्टेंस का मतलब होता है उनकी हेल्प की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्थोटिक्स मीनिंग ब्रेसिंग। अब ऑर्थोटिक्स ऐसी इंजीनियरिंग की या साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें आर्टिफिशियल डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। यूजुअली इनको यूज़ किया जाता है अपने पाँवों को जो है सपोर्ट देने के लिए ताकि जो बॉडी का पोस्चर है वो ठीक हो सके और चलने फिरने में मूवमेंट में जो आसानी है वो आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स आर्टिफिशियल लिम्ब को कहते हैं। अब जिन लोगों की कोई टांग नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए आर्टिफिशियल लेग्स आ गई है मार्केट के अंदर। तो आर्टिफिशियल लिम्ब्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं जो कि रिहैबिलिटेशन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। लास्ट पे आ रहे हैं रोबोटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स। तो इन तमाम चीज़ों ने अब रिहैबिलिटेट करना बहुत आसान बना दिया। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 7 जो है ये कवर अप होता है। अब हम लोग मूव करते हैं यूनिट 8 की तरफ, मल्टीडिसिप्लिनरी असेसमेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोग, डिसिप्लिन्स डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के लोग जो हैं मिल के काम करते हैं, मिल के असेस करेंगे एक चाइल्ड को और उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी से फाइट कर सके और उसकी डिसेबिलिटी के इफेक्ट जो है उनको ओवरकम करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और इंडिपेंडेंट हो सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर यही है, रोल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड मेंबर्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। पहले मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो स्पेशल चाइल्ड है वो आ जाता है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स वगैरह, और यहाँ पे और दिए हुए हैं उसका
का फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स आते हैं इसमें, वोकेशनल काउंसलर, क्लिनिकल इवेलुएटर या मेडिकल असिस्टेंट जो भी उसका कोई डॉक्टर है, मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर और काउंसलर। तो ये सब मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स का, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इजी यही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे का टीचर होता है और उसका डॉक्टर होता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का बेसिक रोल यही है कि वो जो कोई भी स्पेशल चिल्ड्रन है उसकी हेल्प करेगा ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सके और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। यहाँ पे कुछ रोल्स देखे हम इनको भी पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिसिप्लिन। हर डिसिप्लिन, हर फील्ड का जो पर्सन है वो एक इक्वली कंट्रीब्यूट करता है और कोऑर्डिनेट करता है स्पेशल चाइल्ड को असिस्ट करने के लिए। मतलब किसी भी कोई फिजिकल डिसेबल्ड बच्चा है उसकी हेल्प करने के लिए हर डिसिप्लिन, हर फील्ड का जो टीम मेंबर है वो कोऑर्डिनेट करके एक ऐसा प्लान बनाते हैं, IEP बनाते हैं ताकि उस बच्चे के ऊपर काम किया जा सके। असेस द पेशेंट्स, उसके अलावा पेशेंट्स की असेसमेंट करना, उसके टेस्ट करना, उसको देखना कि उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी डिसेबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ की असेसमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का। उस पेशेंट को ट्रीट करना, इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, उसकी सेहत को बेहतर बनाना, इन्हांस सेटिस्फेक्शन फॉर क्लाइंट्स, उसके अलावा तसल्ली देना अपने क्लाइंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का। डू मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरह से यूज़ करना। और लास्ट पे आता है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्हांस करना, मतलब जॉब के हवाले से सेटिस्फाई हो वो, इस चीज़ को बढ़ाना, उसकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। इसके अलावा और भी बहुत से रोल्स आप लिख सकते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी असेसमेंट के अंदर जो भी आपके बुक में दिए गए हो। यहाँ पे कुछ मेन दिए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लास्ट स्लाइड और इसके बाद हम लोग इस कोर्स को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोर्स 3608 को हम स्टार्ट करेंगे और इनको हम जल्दी जल्दी ही वाइंड अप करेंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सके। तो आपकी कोई भी सजेशन हो या कोई भी बात आपने करनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। चैप्टर नंबर 9 है काउंसलिंग। काउंसलिंग मीन्स टू गिव एडवाइस, टू गाइड, टू डायरेक्ट, टू रिकमेंड। काउंसिल का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, उसको गाइड करना, उसको डायरेक्शन दिखाना, उसको कुछ रिकमेंड करना, हदायत देना। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और काउंसलिंग सिर्फ उस डिसेबल्ड बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होती, उसके पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा काउंसलिंग जो है वो ज़रूरी होती है। काउंसलिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। अब ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान, दो लोग मिलकर काउंसलिंग करेंगे, उनमें दोनों की जो मशावरत है, मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट आता है रोल ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स। प्रोफेशनल काउंसलर्स के रोल पढ़ते हैं। दे हेल्प क्लाइंट आइडेंटिफाई गोल्स, ये क्लाइंट की हेल्प करेंगे उनके गोल्स आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट क्या है, पेरेंट्स हैं किसी भी स्पेशल बच्चे के, उनको काउंसलर्स बताएंगे कि उनके गोल्स क्या है, उनके बच्चे की कौन सी डिसेबिलिटीज़ है जिनको उन्होंने ओवरकम करना है और उन्होंने किस तरह से ओवरकम करना है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल काउंसलर्स हेल्प इन पोटेंशियल एंड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं पेरेंट्स को या उनके बच्चों के हवाले से। दे गिव कॉन्फिडेंस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने का कॉन्फिडेंस देते हैं। हेल्प इन कॉपिंग स्किल्स, हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए, बिहेवियर चेंज, सपोर्ट इन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो हर हवाले से ये काउंसिल करते हैं बच्चों के हवाले से, किस तरह से उसकी डिसेबिलिटीज़ को आप कम कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी डेली लिविंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी स्टडीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जितनी भी चीज़ें डेली लाइफ में ज़रूरी होती हैं उन सब के लिए काउंसलर जो है रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। इसको अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले कोर्स के साथ।